नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैजिक पे। बात करेंगे इविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। आज 9% की लगभग शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। रीजन साफ साफ है कि कल कंपनी के क्वार्टर फोर की अर्निंग आई थी और अर्निंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, कंपनी के पक्ष में नहीं रही है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर जो भी है। अर्निंग बिल्कुल भी सही नहीं है और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है वो आप देख सकते हो, बिल्कुल शेयर की प्राइस पर पड़ा है और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट पिछले 5 दिनों में स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो बात करेंगे स्टॉक को लेकर कि इन फ्यूचर क्या टारगेट रह सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है स्टॉक को लेकर, जानेंगे सारी बातें। वीडियो काफ़ी छोटा और इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप बेस्ट पेनी स्टॉक सर्च कर रहे हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो लगभग डेब्ट फ्री एक कंपनी है और मार्च 2022 की यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे लगभग 20 करोड़ के आसपास कंपनी की यहाँ पे सेल्स हुई है। कंपेयर टू लास्ट 2 to 3 क्वार्टर यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। आप जून से देखोगे, सितंबर से देखोगे, दिसंबर से देखोगे, कंपेरेटिवली यहाँ पे कंपनी की सेल्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप देख सकते हैं 19.24। तो कंपनी का जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा हुआ है और जो मटेरियल कॉस्ट है वो 92% है वो लगी और एम्प्लॉय कॉस्ट मात्र 1%। उसके बाद जो प्रॉफिट है कंपनी का, नेट प्रॉफिट वो माइनस में है, -0.27। इससे पहले प्लस में था, उससे पहले भी प्लस में था और उससे पहले भी प्लस में था, पिछले 4 क्वार्टर के अंदर प्लस में था लेकिन अब की बार माइनस में आ गया है। तो अगर आप देखोगे इम्पैक्ट पड़ा ईयर टू ईयर अर्निंग भी कंपेरेटिवली यहाँ पे, अगर आप देखोगे इन 3 सालों के अंदर हर बार कंपनी है वो लगभग 100 करोड़ के ऊपर यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग है वो जा रही थी, लेकिन अब की बार 75 करोड़ रह गई है ओवरऑल अगर आप देखोगे। और प्रॉफिट अगर हम देखें अब की बार का, तो प्रॉफिट कंपनी का मात्र 0.86 लाख के आसपास और पहले अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, हर बार 1 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन अब की बार 1 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट कम रह गया। तो सीधा इम्पैक्ट पड़ा है जो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया उसका कंपनी की शेयर प्राइस पर। नेक्स्ट जो किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो होता है रिजर्व और बोरोइंग का। तो कंपनी है वो कंटिन्यू अगर आप देखोगे अपना रिजर्व बढ़ा रही है और बोरोइंग है वो कंपनी की मेंटेन है लगभग, हालांकि बोरिंग कंपनी की बड़ी है, 7.91 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो अभी जो मार्च 2022 का डाटा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कंपनी यहाँ पे जो रिजर्व है वो बढ़ा रही है और बोरिंग कम कर रही है। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है कंपनी के जो शेयर होल्डर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी को लेकर अब हमें क्या करना चाहिए, तो इस समय आपको बिल्कुल फॉर लॉन्ग टर्म यदि आप सोच रहे हो तो एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आया और कंटिन्यू बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, कोई लेवल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे कोई खास लेवल यहाँ पे स्टॉक के अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कोई अगर लेवल यहाँ पे हो चार्ट में अगर तो हम बिल्कुल खरीदने की सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। और फिर एक अच्छा खासा रिवर्स दिखाया था लेकिन फिर यहाँ पे रिजल्ट ख़राब आ गए और फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अभी कम से कम फ्रेश एंट्री की ना सोचें, जब तक शेयर एक कंसोलिडेटेड फेज में ट्रेड करता है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता है, तभी इस स्टॉक के बारे में आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के रिजल्ट है वो कभी माइनस में आते हैं कभी प्लस में आते हैं, तो यहाँ पर कभी भी कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप इस स्टॉक को लेकर यदि लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिल्कुल चार्ट का वेट करना होगा। और कोई अच्छी न्यूज़ आती है कंपनी की, अगर बिल्कुल डेब्ट फ्री होती है तो, अगर ये सारी न्यूज़ आती है तो आप फॉर शॉर्ट टर्म इस स्टॉक के बारे में चार्ट पैटर्न और कुछ गुड न्यूज़ के आधार पर सोच सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।